हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपां देखिया सी बॉडी नूं फ्रिक्शन दे नाल कंडक्शन एंड इंडक्शन नाल किस तरह चार्ज करदे आं। अज आपां कूलम्स लॉ देखांगे। कूलम्स लॉ सिमिलर उसे तरह ही है जिवें ग्रैविटेशन लॉ हुंदा है। तो ग्रैविटेशन लॉ तुसीं प्लस वन च पढ़िया है। ग्रैविटेशन लॉ हुंदा है कि दो मासिस ने अगर आर डिस्टेंस से पए ने, दोनों मासिस पॉइंट मासिस ने, जां फिर स्फेरिकल बॉडीज हो सकदियां ने, उस केस दे अंदर जिहड़ी फोर्स होएगी वो दोनों मासिस दे भी प्रोपोर्शनल होएगी एंड विच वाला जिहड़ा डिस्टेंस है वो स्केयर दे प्रोपोर्शनल होएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्हों सारे रिजल्ट नूं कंबाइन करके अपने को रिजल्ट निकल आता है कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्केयर। जी इत्थे यूनीवर्सल ग्रैविटेशन कॉन्सटेंट हुंदा है, मतलब जी की वैल्यू जी है कॉन्सटेंट है हर जगह ही कितें भी। दैट्स वाई वी कॉल यूनीवर्सल ग्रैविटेशन कॉन्सटेंट। इसी तरह जिहड़ा कूलम्स लॉ हुंदा है उहदे विच जिहड़ी फोर्स हुंदी है वह दोनों चार्जिस आ जाएंगे, जिद्दां उत्थे मासिस सी इत्थे चार्जिस आ जाएंगे, और जिहड़ा विच वाला डिस्टेंस है वह स्केयर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स की वैल्यू निकल आएगी सेम कंबाइन करके के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्केयर। सिमिलर है रिजल्ट, क्यू वन क्यू टू इत्थे पॉइंट चार्जिस ने जां स्फेरिकल बॉडीज, एंड जिहड़ा फोर्स निकली है इत्थे उत्थे जिहड़ा के है वह उसनू कूलम कॉन्सटेंट बोलते हैं, पर यह यूनीवर्सल कॉन्सटेंट नहीं हुंदा। जिदा जी यूनीवर्सल कॉन्सटेंट हुंदा, यूनीवर्सल कॉन्सटेंट नहीं है। इसकी जिहड़ी वैल्यू है वो इस तरह लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी बोलते हैं इसनों मीडियम की, मतलब इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है। जिहड़ा एप्सिलॉन हुंदा है मतलब ये मीडियम नूं ही शो करता है, मीडियम का ही अफेक्ट चार्ज इसके उत्ते, और अगर ये मीडियम पर डिपेंड करता है तो के भी करेगा फिर, क्योंकि के ये डिपेंड हो रहा है। एंड के नूं इस तरह लिखते हैं कूलम कॉन्सटेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक होर क्वांटिटी है दिमाग च रखना है, उसनों बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसनों लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये लिख रखे सारा कुछ तुहाडे नोट्स के।